आज का वीडियो में आप लोगों को एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाएंगे लो प्राइस में, कम दाम पर। तो सबसे पहले बता देते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर माँ ओम्बिका ई व्हीकल वर्ल्ड खातड़ा वेस्ट बंगाल पर मिलेगा, और इस शोरूम का फ़ोन नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोगों को दिखाएंगे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, हिंदुस्तान पावर कंपनी का है, मॉडल है यूटिलिटी। ये ओकिनावा प्रेस देखने में जैसा लगता है, लेकिन उतना प्राइस भी नहीं है, उतना कीमत नहीं है, इसका प्राइस बहुत कम है। आप लोगों को वीडियो में आगे बताएंगे क्या प्राइस है, 48 वोल्ट में और 60 वोल्ट में दोनों प्राइस बताएंगे, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, पार्ट पार्ट डिटेल्स आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए पीछे से देखने में ऐसा लगता है, और इसका प्राइस कम है तो आप लोग सोचेंगे जो इसका जो क्वालिटी है अच्छा नहीं है, ऐसा बात भी नहीं है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। देखिए बॉडी पर एक आदमी चढ़ के आप लोगों को दिखा रहा है, इसका जो फाइबर क्वालिटी है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का फाइबर दिया हुआ है। देखिए एक आदमी चढ़ के खड़ा हो गया है, फिर भी फाइबर में कुछ नहीं हो रहा है। और इसमें जो फीचर्स मिलेगा बहुत सारे फीचर्स है, आप लोगों को एक एक करके क्या क्या फीचर्स है वो भी दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हेडलाइट से। तो देखिए ये है हेडलाइट, और ये पूरा लाइट मिलेगा, इधर से इधर तक लाइट मिलेगा, एलईडी हेडलाइट बल्ब मिलेगा इसमें, 5 पीस टोटल एलईडी हेडलाइट बल्ब इसमें लगा हुआ है। आप लोगों को जला के दिखाते हैं, देखिए जल रहा है और डिपर भी हो रहा है, लॉन्ग शॉट जिसको कहते हैं आप लोग देख सकते हैं। और इंडिकेटर आप लोगों को जला के दिखा देते हैं, देखिए ये है इंडिकेटर, राइट साइड का लेफ्ट साइड का दोनों जल रहा है, और इसमें बुजर भी है, मतलब इंडिकेटर हॉर्न भी लगा हुआ है। और बॉडी पर दोनों साइड एलईडी लाइट मिलेगा, इधर एक और इधर एक। अब आप लोगों को दिखाते हैं मीटर पर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए ये है डिजिटल मीटर, यहाँ पर शो करेगा कितना स्पीड आप लोग चला रहे हैं, यहाँ पर बैटरी कितना चार्ज है दिखाएगा, बैटरी का चार्ज जितना कम होते होते आएगा यहाँ पर लेवल कम होते होते आएगा। आप दिखा देते हैं स्विच, ये है हेडलाइट स्विच, और ये है इकोनॉमी मोड स्विच, मतलब स्पीड कंट्रोल स्विच, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेवल पर आप लोग चला सकते हैं। दिखा देते हैं 1 पर दिए हैं, देखिए यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है, 1 पर आप लोगों को स्पीड मिलेगा 30। आप देते हैं सेकंड, मतलब 2 पर, देखिए 2 पर दिए हैं, यहाँ पर 2 लिखा आ रहा है, स्पीड मिलेगा आप लोगों को 41। आप देते हैं 3 लेवल पर, तो देखिए 3 लेवल पर दिए हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, कौन सा लेवल पर आपका चल रहा है वो पता चलेगा। तो देखिए 3 लेवल पर आपको स्पीड मिलेगा 59, ये फुल स्पीड है। आप दिखाते हैं ये है रिवर्स का स्विच, मतलब पीछे जाएगा गाड़ी बैक गियर जैसा, और इस स्विच का जो फंक्शन है ये एक बार दबा देने से काम नहीं करेगा, दबा के रखना होगा, उसके बाद एक्सेलेरेटर देने पर ये पीछे जाएगा। आप लोग को दिखा देते हैं, देखिए हमने दबा के रख रहे हैं, एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, इसका स्पीड है 16। आप लोग देख सकते हैं चाखा पीछे तरफ घूम रहा है, उल्टे तरफ आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इसका एक अच्छा काम है, कभी कभी गाड़ी पर लोड रहता है तो पीछे करने में दिक्कत होता है, तो ये रिवर्स का फंक्शन रहने से इजीली आप लोग पीछे कर सकते हैं। और एक बार फुल एक्सेलेरेटर देके स्पीड दिखा देते हैं, 59 स्पीड है, चाखा कितना स्पीड से घूम रहा है आप लोग साउंड सुन सकते हैं। और दिखाते हैं ये एक नया फंक्शन है, ये स्विच का फंक्शन है, एक्सेलेरेटर दे के स्विच दबा देते हैं तो जितना स्पीड पर आप लोग चलाना चाहते हैं उतना स्पीड पर चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने 59 पर ये स्विच दबा दिया तो उतना स्पीड पर चलेगा एक्सेलेरेटर छोड़ देने के बाद भी। देखिए 59 स्पीड है, एक्सेलेरेटर छोड़ दिए हैं, ऐसे करके आप लोग जितना स्पीड पर चलाना चाहते हैं उतना स्पीड पर चला सकते हैं। देखिए 25 पर छोड़ दिया है, एक्सेलेरेटर दे के स्विच दबा दिया तो उतना स्पीड पर चलेगा। आप दिखाते हैं ये है डिपर स्विच, ये है हॉर्न स्विच, और ये है इंडिकेटर स्विच, राइट साइड लेफ्ट साइड मीटर पर भी शो करेगा, इंडिकेटर जल रहा है। और ये है क्रूज कंट्रोल इमरजेंसी स्विच, जिसको रिपेयर स्विच भी बोलता है। इस स्विच का काम है, मान लीजिए आपका गाड़ी खराब हो गया है कहीं पर भी, तो ये स्विच एक बार दबा देने से गाड़ी आपका चलने लगेगा, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ है गाड़ी पर ठीक करा सकते हैं बाद में, तो इस स्विच का ये काम है। आप दिखाते हैं, देखिए ये जो ऊपर वाला स्विच है, ये ऊपर का स्विच है 4 इंडिकेटर स्विच, ये दबाने से आप लोगों को चारों इंडिकेटर जलेगा, देख सकते हैं आप लोग जल रहा है। और सामने दिखा देते हैं, देखिए ये दोनों जल रहा है, और पीछे भी दिखा देते हैं, देखिए पीछे का दोनों इंडिकेटर जल रहा है। ये 4 इंडिकेटर सिस्टम भी इस गाड़ी पर मिलेगा। सामने दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर 2 डिग्री मिलेगा अलग अलग सा, यहाँ पर पानी का बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल ले जा सकते हैं। एंटी टॉप अलार्म सिस्टम मिलेगा आप लोगों को, कीलेस ये गाड़ी चला सकते हैं। देखिए बीच का स्विच दबा देने से ये कीलेस गाड़ी चलेगा, देखिए ऑन हो गया है। ये आप लोगों को दिखा देते हैं, इंडिकेटर बंद कर देते हैं,
इंडिकेटर दिया हुआ था। बीच का स्विच दबाने से ऑन हो जाएगा और ऊपर का स्विच दबाने से ऑफ हो जाएगा और नीचे का जो स्विच है लॉक हो जाएगा। लॉक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए हमने लॉक कर दिया। उसके बाद ये गाड़ी कोई चोरी करने का कोशिश करेगा, ले जाने की कोशिश करेगा तो देखिए ये चाखा लॉक हो जाएगा, चाखा घूमेगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरा लॉक हो गया है, ये गाड़ी जाएगा नहीं। तो ऐसे करके आप लोगों को सिक्योरिटी मिलेगा एंटी ट्रैप अलार्म सिस्टम रहने से, और फिर एक बार दबाने से ये लॉक खुल जाएगा। आप देखते हैं सामने जो पाँव रखने का जगह होता है, आप लोग देख सकते हैं इतना जगह मिलेगा। यहाँ पर कुछ सामान ले जा सकते हैं, गैस सिलेंडर ले जा सकते हैं। आप देखते हैं फ्रंट पर तो आप लोगों को सामने जो व्हील मिलेगा, एलो व्हील मिलेगा, ट्यूबलेस टायर मिलेगा। टायर का जो साइज है 90x110 साइज है और टेलीस्कोपिंग शॉकाजर मिलेगा। शॉकाजर के साथ डस्ट कैप मिलेगा, मैला उला नहीं लगे। अब देखते हैं राइट साइड, तो देखिए आप लोग राइट साइड पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलेगा। इस गाड़ी पर फ्रंट ब्रेक जो सिस्टम है वो डिस्क ब्रेक सिस्टम मिलेगा। आप देखते हैं पीछे का मोटर, तो देखिए ये BLDC मोटर है, ब्रशलेस मोटर, और ये वाटर प्रूफ मोटर है। और मोटर का वाट कितना है अभी तक पता नहीं चला है, पता चलते आप लोगों को बता देंगे। मेरे आइडिया से ये मोटर 1200 से 1500 वाट का होगा, ये अप्रोक्स बता रहे हैं आप लोगों को। और पीछे का जो ब्रेक मिलेगा ये ड्राम सिस्टम ब्रेक मिलेगा इस मॉडल पर। और ये है स्विंग आर्म कवर, ये कवर देखने में ऐसा लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये पीछे में जो शॉकाजर मिलेगा, स्प्रिंग कॉइल हाइड्रोलिक शॉकाजर मिलेगा दोनों साइड पर। और ये फुटरेस्ट दिखा देते हैं, देखिए पाँव रखने का जो जगह होता है पीछे जो बैठता है, ये जो फुटरेस्ट है देखिए लॉक हो गया, एक बार दबाने से खुल जाएगा। इसमें नया सिस्टम है, देखिए ये लॉक हो गया फिर एक बार दबाने से खुल जाएगा। ऐसे करके ये फुटरेस्ट काम करता है, ये भी एक नया सिस्टम है। आप दिखाते हैं जो डिगी का पेस है, तो देखिए डिगी के जो अंदर है ये एक नंबर प्लेट मिलेगा हिंदुस्तान पावर का लोगो देके, और मिरर मिलेगा। ये गाड़ी अभी तक फिटिंग नहीं हुआ है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक मैट मिलेगा, दोनों मिरर मिलेगा। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इसमें 11 लीटर का आप लोगों को बूट प्रेस मिलेगा जिसको डिगी कहता है। अब आप लोगों को सीट उठा के दिखा देते हैं और बैटरी के बारे में बताते हैं और प्राइस भी बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, लीड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, और इस पर आप लोगों को 60 वोल्ट और 48 वोल्ट दोनों ही सपोर्ट करेगा। आप बताते हैं प्राइस, तो देखिए लीड एसिड बैटरी देके प्राइस बताते हैं। 60 वोल्ट का गाड़ी लेते हैं लीड एसिड बैटरी पर तो इसका प्राइस पड़ेगा 54,500, और 48 वोल्ट बैटरी लगाते हैं लीड एसिड बैटरी तो इसका प्राइस पड़ेगा 52,500। और इसका जो माइलेज होगा अप्रोक्स माइलेज बताते हैं, 60 से 70 माइलेज आप लोगों को मिलेगा। और ये प्राइस जगह के हिसाब से, इलाका के हिसाब से हेरफेर हो सकता है, और वीडियो का आप देख रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और लिथियम बैटरी देकर आप लोग प्राइस जानना चाहते हैं तो देखिए अलग अलग एम्पियर का बैटरी होता है, जितना ज़्यादा माइलेज चाहिए उतना ज़्यादा एम्पियर का बैटरी लगाना होता है, उसके हिसाब से प्राइस भी अलग अलग होता है। इससे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर, इस शोरूम का नंबर मिल जाएगा जाकर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप दिखाते हैं इस कंट्रोलर को, तो देखिए ये जो कंट्रोलर है इसमें कुछ स्पेशलिटी है। ये कंट्रोलर का जो बॉडी है एल्युमिनियम बॉडी है, ज़्यादातर कंट्रोलर फाइबर का बॉडी होता है या प्लास्टिक का बॉडी होता है, लेकिन ये एल्युमिनियम बॉडी है। एल्युमिनियम बॉडी होने से कुछ फायदा है, कोई दूसरा वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और ये स्मार्ट कंट्रोलर है, वायरलेस कंट्रोलर है, और ये है MCB। ये गाड़ी पर शॉर्ट सर्किट होने से या ज़्यादा लोड पड़ने से ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और इसी तरह आप लोग नया नया इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो देखना चाहते हैं, दूसरा मॉडल का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह आप लोग नया नया कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेक्निकल हेल्प MK चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और बगल में बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।